हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रूलर मरीन प्रोडक्ट्स एलएलपी के चैनल पर। दोस्तों, रूलर मरीन फैमिली ने एक कदम और बढ़ाया है हमारे एक्वा फार्मर्स के लिए। अभी हम सिर्फ यूट्यूब के थ्रू आपसे कनेक्ट हो पाते थे, बट हाल ही में हमने एक हमारी वेबसाइट को पब्लिश किया है rulermarine.com के नाम से। अब इसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एनी टाइम। जो भी आपकी क्यूरीज हो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियोस आप YouTube पे देख रहे हैं वो आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, और इन फ्यूचर हमारा उस पर बहुत सारे प्लान्स एक्स्ट्रा और हैं। एक तरीके से हम उसे ई कॉमर्स भी कन्वर्ट करेंगे। जो भी आपको एक्वा से रिलेटेड चीज़ें लगती हैं, मेडिसिंस हो गया, फीड हो गया, सीड हो गया, नेटिंग हो गया, बर्ड नेट हो गया, एरिएटर, ब्लोअर, सारी रिक्वायरमेंट जो है आपको एक ही वन सॉल्यूशन आपको रूलर मरीन पे मिल जाएगा सब कुछ। तो आप वो वेबसाइट को भी जो है विज़िट करके एक बार देख सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं, आप जो भी जानना चाहते हैं आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो हम रखने वाले हैं कि ऑक्सीजन को लेके हम आज बात करते हैं। एक्वा फार्मिंग में आपने देखा है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बट कभी कभी क्या होता है, अगर ऑक्सीजन अपन पंगेशियस की अगर बात करें तो पंगेशियस में अगर ऑक्सीजन का जो लेवल है, डीओ का लेवल वाटर में, अगर 4 से 6 अगर ये पैरामीटर्स आपके हैं, अगर डीओ लेवल जो है वो 4 से 6 के बीच में है तो काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आपकी हाई स्टॉकिंग नहीं है और आप जो एवरेज स्टॉकिंग हर लोग करते हैं उसी तरीके से आपकी भी स्टॉकिंग है, तो आपका जो डीओ लेवल है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर डीओ लेवल आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, 9 या 10 या 11 आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, आपकी मॉर्टिलिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। जो फिशेस हैं उनकी आँखों पर सूजन जैसा आपको देखने को महसूस होगा, या उसकी आँखें आपको फूली हुई दिखेगी, थोड़ा सा रेडनेस होगा बॉडी पर। एक्चुअली जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है ना तो ये सारे इश्यूज आते हैं जो फिर मॉर्टिलिटी में कन्वर्ट होते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम पहले तो डीओ चेक करना है। अगर आप पंगेशियस का कल्चर कर रहे हैं तो कि आपके पानी का डीओ जो है 4 से 6 के बीच हो। अगर इससे ज़्यादा आपका अगर डीओ बढ़ रहा है तो आपको एरिएशन बिल्कुल भी नहीं चला पानी में। अगर आप एरिएशन फिर भी चलाएंगे तो आपका डीओ सडनली ऊपर जाएगा, और अगर डीओ ऊपर जाएगा तो फिर मॉर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। आँखें, जो फिशेस की आँखें हैं वो सूज सकती हैं, उसमें पॉपाई आ सकता है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको पानी बार बार चेंज नहीं करना है। अगर ज़्यादा पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके पानी के, इसी कंडीशन में आप पानी चेंज करेंगे, अदरवाइज़ आपको पानी बार बार चेंज नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें आप, तो जो मॉर्टिलिटी है ऑक्सीजन के बढ़ने से होती है उनसे आप बचे रहेंगे। क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि फिशेस की आँखें पॉप हो गई है, मछली मर गई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मछली क्यों मरी है, हम डीओ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो हम हमारी मछली को बीमार से और बीमार कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये आपको फिशिकल्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें होती है। आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे तालाब को ख़राब कर सकती है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जब तक के लिए अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना भी ख्याल रखिए तब तक के लिए, और अपने फार्म का भी ख्याल रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ बने रहिए, वेबसाइट पर भी एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए आप। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले टाइम में हम और भी सीरीज़ लेकर आएंगे। जो छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इश्यूज आते हैं फिशिकल्चर में, उन्हें भी हम कवर करेंगे, साथ ही जो बड़ी बीमारियां हैं मेडिसिन सबको कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।